हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघव सर डॉट कॉम में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे, इसके पीछे छिपी हुई तथ्यों को समझेंगे और फिर स्वयं इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वास्तव में यह एक धातु है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें, जैसा अक्सर हमारी प्रयोगशालाओं में होता है, मैग्नीशियम रिबन अलमारियों में खुला रखा रहता है, तो ये मैग्नीशियम धातु नम वायु के साथ क्रिया कर लेती है। नम वायु अर्थात ऐसी वायु जिसमें जल वाष्प मौजूद है, ऐसी वायु जिसमें पानी भाप या गैस के रूप में मौजूद है। तो मैग्नीशियम धातु अगर लंबे समय तक खुली रखी रहे तो वह नम वायु या वायु में मौजूद जल वाष्प से क्रिया कर लेती है और मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद परत बन जाती है। इसके पीछे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई हुई है, मैग्नीशियम ने क्रिया करी जलवाष्प से जो नम वायु में मौजूद है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये कुछ इस तरह की सफ़ेद परत के रूप में मैग्नीशियम रिबन के ऊपर चढ़ जाता है। ये भंगुर परत है। अब अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए मोमबत्ती की लौ में ले जाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन नहीं जलेगा, क्योंकि यह जो परत बनी हुई है मैग्नीशियम के ऊपर सफ़ेद रंग की, यह अवरोध का कार्य करेगी और मैग्नीशियम को ज्वलन ताप तक नहीं पहुँचने देगी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होने देगी। तो जलाने से पहले हम क्या करेंगे, रैगमाल लेंगे, सैंड पेपर लेंगे और उसकी मदद से हम ये सफ़ेद भंगुर परत को जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर चढ़ी हुई है इसे हम हटा देंगे। जैसे ही ये परत हट जाएगी, हमें परत के नीचे रिबन की नई मैग्नीशियम धातु, नए मैग्नीशियम तत्व दिखाई देने लगेंगे। अब अगर हम इसे गर्म करें, इस मैग्नीशियम रिबन को उसके ज्वलन ताप तक पहुँचाएँ, तो यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करके स्वतः ही जलने लगेगा और पुनः मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाएगा। देखिए, यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन है और जैसे ही इसको हमने हल्का सा गर्म किया, इसको इसके ज्वलन ताप तक पहुँचाया, इसने वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करना शुरू कर दिया और यह स्वतः ही फिर जलने लगा और सफ़ेद रंग का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो गया। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि शुरू में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और जलने के बाद भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बन रहा है, लेकिन प्रारंभ में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये उस मैग्नीशियम धातु की नम वायु से क्रिया करने से बना है और यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये मैग्नीशियम को ज्वलन ताप तक पहुँचाने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद बना है। तो इस प्रकार अगर मैग्नीशियम रिबन लंबे समय तक खुला रखा रहे तो वह नम वायु या वायु में मौजूद जलवाष्प से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद भंगुर परत बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध पैदा करती है। हम रेगमाल पेपर से आसानी से इस भंगुर परत को हटा देते हैं जिससे रिबन का नया मैग्नीशियम हमें दिखाई देने लगता है। फिर जब उस मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है, उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुँचाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके पुनः मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एक अतिक्रियाशील धातु है। जब मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।